अब देखिए, अब खुद आप यहाँ पे देखिए बाथरूम से हमारे, ठीक है, या पहले पानी जो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, ऊपर से देखिए ये जो बाथरूम जो है लेटरिन यहाँ यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से देखिए अब कचरा, ये देखिए यहाँ से पाइपें जो ठीक नहीं है, जो यहाँ का सिस्टम है सब बेकार ही है। अब देखिए हमसे कहा जा रहा है कि एयर पोल्यूशन मत करो, पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन, अब देखिए यहाँ से कचरा है, अगर ये कचरा अब पानी में चला गया, क्योंकि अब मतलब दिन ब दिन जितना भी हो सकेगा पानी की जो लेवल जो है ना वो अप हो जाएगी। तो आपने इससे पहले कभी बोला इनको कि आप यहाँ से ये हटाइए, इसे बहुत ज़्यादा खतरे, तो इससे पहले बोला आपने इनको? सर हमने ये रोज़ का मसला है यहाँ पे, रोज़ का मसला पेश आ रहा है, सुबह जब यहाँ पे म्यूनसिपल कम्युनिटी वाले यहाँ पे आते हैं कचरा डालने के लिए, उनके साथ हमने कई मरतबा थोड़ी मतलब बहस भी होगी उनके साथ, हमने उनसे कहा कि यहाँ पर आप हमसे कह रहे हो कि पोल्यूशन मत डालो, पोल्यूशन मत करो, अब देखिए उसके बावजूद भी वो समझ नहीं पा रहे और ना ही वो सुधर रहे। हमारे साथ म्यूनसिपल कमेटी कुंजर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खालिद साहब है हमारे साथ, इनसे पूछते हैं कि जो ये लोग बता रहे थे इस डंपिंग साइट के बारे में, तो इनसे पूछते हैं, सर आपका खैर मकदम है कश्मीर क्राउन में, सर आप जो लोगों ने जैसा कि बताया कि ये जो डंपिंग साइट बनाई है जो स्टैंड के पीछे कुंजर मार्केट के पीछे आपने बनाई है, तो इसे बहुत ज़्यादा वाटर बॉर्न डिजीज़ होने का अंदेशा है, क्योंकि वहाँ से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और बाथरूम जो वहाँ पे है वो डिफंक्ट है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मसला इसका है जो हमारी डंपिंग साइट है वो ऐसे नहीं है, ऐसे 15-16 साल से पुरानी वो चल रही है, वो बेसिकली डिचेस थे, हमने उनको भर दिया है, हमारे पास डंपिंग साइट जो है अवेलेबल नहीं है, इवन के पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है अवेलेबल किसी जगह पर, तो गवर्नमेंट के नॉलेज में भी ये बात है, हमारे जो डीसी साहिबान हैं उनको भी पता है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है डंपिंग साइट की किसी जगह पर भी। अब हमने तहसीलदार साहब को बहुत बार रिक्वेस्ट भी की कि हमें उसके लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव लैंड जो है जहाँ पर कोई ऐसी वाटर बॉडी नज़दीक ना हो तो हमें प्रोवाइड करें, तो शायद उन्होंने अब इस वक्त उन्होंने मुझे पिछली 2-4 दिन पहले मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझे इशारा दिया कि हमने कुछ 8 कनाल लैंड किसी जगह पर आइडेंटिफाई की हुई है, तो वहाँ पर आपको वो कवर करना पड़ेगा, तो वो पूरा मतलब एरिया पूरा कवर करके ताकि यहाँ जो है वाटर बॉडी के नज़दीक कोई भी ये जो कूड़ा वगैरह है वो ना पड़े, ये हमें मालूम है कि वहाँ पर गलत जगह पर है मेटाडोर स्टैंड पे, ये सुमो स्टैंड पे, तो वो उसका हमें एक सेंक्शन हुई है, तो उसका सर्वे भी हो गया वो कहाँ बनानी है, शायद हम इनको पुरानी वाली को एक लैटर जो है वो डिमोलिश करेंगे उसकी जगह हम दूसरा बनाएंगे, नया साइंटिफिक तरीके से बना रहे हैं, उसका पैसा भी आ गया, सेंक्शन हो गया है, अब इसको खाली टेंडरिंग वेंडरिंग इनको करनी है, तो मुझे लगता है 1-2 महीने तक उसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा, तो काफ़ी सुलझ हो जाएगी। ओके, थैंक यू।